हमारा देश भारत, जिसे अंग्रेज इंडिया के नाम से जानते हैं और कुछ पड़ोसी आज केवल हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, लेकिन इतिहास साक्षी है कि इस देश को कभी भारतवर्ष और भारत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता था। और वो कहानी जिसमें छुपा है इस देश के नामकरण का रहस्य, वो हम सबके सामने 17 फरवरी को आ रही है सामंथा की नई पैन इंडिया मूवी शाकुंतलम के जरिए। आज इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है और मुझे काफी हद तक पसंद भी आया है। और तुमको पता ही है कि मुझे हमारे एंशियंट इंडियन कल्चर में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है, और इस वीडियो में हम इसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे और इस मूवी की कहानी जानने की कोशिश करेंगे। ये कहानी शुरू होती है महाभारत काल से भी पहले। चंद्रवंशी महाराज दुष्यंत, जिनका कैरेक्टर इस मूवी में प्ले कर रहे हैं देवमोहन, और उनकी पत्नी शकुंतला का कैरेक्टर प्ले कर रही है समंता। दुष्यंत और शकुंतला, इनका जिक्र हमें सबसे पहले अथश्री महाभारत कथा के आदि पर्व में देखने को मिलता है। उसके बाद कई कवि और नाटककारों ने इनकी कहानी को अपने अपने तरीके से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया के सामने रखा, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस हुआ महाकवि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि एक एंशियंट इंडियन पोएट थे, और उनकी ये रचना संस्कृत भाषा के सबसे पहले नाटक मृच्छकटिका के बाद दूसरी सबसे फेमस रचना मानी जाती है। इवन खुद कालिदास जी के जीवन की सबसे बेहतरीन रचना भी मानी जाती है, और ये मूवी शाकुंतलम इसी अभिज्ञान शाकुंतलम पे बेस्ड है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है एक नरेशन डायलॉग से, जिसमें कहा जाता है कि इस धरती पर माता पिता की ठुकराई हुई ये पहली संतान है, ये संतान और कोई नहीं बल्कि शकुंतला ही है। इस कहानी की शुरुआत असल में होती है महर्षि विश्वामित्र से। एक फेमस कहावत तुम लोगों ने सुनी होगी कि इस विश्वामित्र की तपस्या को कोई मेनका भंग नहीं कर सकती। असल में ब्रह्मऋषि विश्वामित्र एक समय में डीप मेडिटेशन में थे, और उनकी इस तपस्या को तोड़ने के लिए स्वर्ग से एक अप्सरा मेनका धरती पर उतरती है। उसकी सुंदरता को देख के विश्वामित्र के अंदर की काम वासना और पैशन इंसाइट हो गए, और आखिरकार उसने विश्वामित्र के मेडिटेशन को तोड़ने में सफलता हासिल की। लेकिन अपने प्रयासों में मेनका खुद भी विश्वामित्र के साथ प्रेम कर बैठी, और इन दोनों की एक पुत्री का जन्म हुआ। कुछ टाइम के बाद जब विश्वामित्र को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्हें ट्रिक किया गया है, तो वो वापस से अपने मेडिटेशन में चले गए, और मेनका भी उस पुत्री को छोड़ के वापस से स्वर्ग लौट गई। उस बच्ची को शकुन पक्षी उठा के उस समय के एक और प्रसिद्ध ऋषि कण्व के आश्रम में छोड़ गए। इन्हीं ऋषि ने उन शकुन पक्षियों के नाम पे इस बच्ची का नाम रखा शकुंतला। शकुंतला इसी आश्रम में पली बढ़ी, और एक दिन हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत उस आश्रम के वन में पहुंचे, जहां पे उन्होंने शकुंतला को देखा और वो दोनों आपस में प्रेम कर बैठे, और उन्होंने वहीं पे गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन चूंकि दुष्यंत को हस्तिनापुर लौटना था, तो वो शकुंतला को प्रॉमिस करके कि एक दिन वो उसे अपने महल में वहां की रानी बना के ले जाएंगे, वो वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी रॉयल रिंग शकुंतला को अपने प्रॉमिस के सिंबल के तौर पे दी। लेकिन दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला मोस्ट ऑफ द टाइम उनके ख्यालों में ही रहने लगी, और एक दिन महर्षि दुर्वासा उस आश्रम में आए, लेकिन शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि उसने ऋषि दुर्वासा का आदर सत्कार ठीक से नहीं किया, और क्रोध में आके दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दे दिया कि तू जिसके सपने देख रही है वो तुझे भूल जाएगा। लेकिन तभी शकुंतला की सखियों ने दुर्वासा ऋषि को उस बेचारी की स्थिति से अवगत कराया, तो दुर्वासा ऋषि ने उसे क्षमा करते हुए अपने शाप को मॉडिफाई कर दिया और कहा कि वो तुझे भूल तो जाएगा, लेकिन अगर शकुंतला उस इंसान को उसकी दी हुई कोई चीज दिखाएगी तो वो सारी बातें उसे फिर से याद आ जाएंगी। और इसके काफी टाइम बाद जब शकुंतला को एहसास हुआ कि दुष्यंत लौट के नहीं आया है आश्रम में, तो वो अपने कुछ साथियों के साथ हस्तिनापुर के लिए निकली, और रास्ते में नदी पार करने के दौरान दुष्यंत की दी हुई वो रिंग बेख्याली में पानी में गिर गई। जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची तो दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया ऑब्वियसली, तो उसके बाद शकुंतला ने भी आश्रम जाने से इनकार कर दिया और वो वन में चली गई। लेकिन अल्टीमेटली दुष्यंत की वो रिंग एक मछली ने निगल ली, और एक मछुआरे ने जब उस मछली को पकड़ा तो उस रिंग को देखने पे वो उसे पहचान गया और दुष्यंत के पास वापस ले आया, और उस रिंग को देख के दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो जब शकुंतला तक पहुंचे, उसके जस्ट पहले उन्हें एक बच्चा एक शेर के साथ खेलता दिखाई दिया, जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा, और वो बच्चा था दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, जो आगे चल के चक्रवर्ती महाराज भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए, और उन्हीं के नाम पे इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। ट्रेलर में हमें और भी काफी सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं साइमल्टेनियसली। देवासुर संग्राम का भी एक दृश्य दिखाया जाता है। कबीर दुहान सिंह असुर राज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और देवराज इंद्र इस युद्ध में अपने वज्र का प्रहार करते हुए भी हमें दिखाई दिए। इन टर्म्स ऑफ वीएफएक्स आई कैन ओनली से इट्स अ डिसेंट ट्रेलर। हाँ, एक दो शॉट्स थोड़े टीवी सीरियल वाले लगे थे देखने में, बट ये काफी लो बजट मूवी है, और उस हिसाब से आउटपुट बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। ये मूवी पहले 4 नवंबर 2022 में देखने को मिलने वाली थी, लेकिन इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। अब हमें ये मूवी 17 फरवरी 2023 को देखने मिलेगी ऑल ओवर द इंडिया, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेजेस में। आई नो इस मूवी की इतनी हाइप नहीं है, मे बी प्रमोशन ज्यादा नहीं हुए हैं, बट पर्सनली मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जिसकी एक वजह इसके डायरेक्टर गुणशेखर भी हैं, जिनकी रुद्रमा देवी से मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। वैसे कई लोग उस मूवी से इसकी कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, बट वो एक वॉर मूवी थी और ये एक एपिक लव स्टोरी है, ये ध्यान में रखना। तो वो बड़े बड़े वॉर सीक्वेंस वाली मूवी एक्सपेक्ट करके इस मूवी को देखने
देखने मत जाना, इसलिए इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी वॉर ड्रामा की तरह हैवी फील नहीं हो रहा है। वैसे और भी काफी बातें हैं इस मूवी के बारे में करने के लिए और मैं करूंगा जरूर, लेकिन पहले इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताओ, फिर आगे इसके ऊपर टॉप फैक्ट्स वीडियो भी लेके आऊंगा जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।